preview. Hi guys, welcome to 4-Wheeler Scooter. And ye hafta bahut hi important hai because this is breastfeeding week. High five, Elena. Wow, you killed it! और हम सब जानते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना कितना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं और बहुत सारे टैबूज भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे. लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि एलाइना 1 साल की हो गई है, तो काउज मिल्क उसका चालू हो गया है, तो हम क्या क्या अलग अलग तरीके कोशिश करते हैं उसको दूध पिलाने की. एलाइना का सिपी कप, सिपी सिपी सिपी, और एलाइना को यहाँ पर आप क्लोजअप करके देखेंगे, अगर एलाइना विल ट्राई टू सक. वेरी गुड, वेरी गुड. बाकी हम यहाँ पर सारे औजार और सारी चीजें ट्राई करते हैं. यहाँ से अलग अलग चम्मच होते हैं हमारे, और यू नो वी ट्राई पल्लड़ाई और डायरेक्ट ग्लास से भी उसको पिलाने की कोशिश करते हैं, बट हमारे ज्यादा सक्सेस हुआ नहीं है. लेकिन अभी मैं ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो अभी वो सिपी कप पर आई है. सिपी सिपी सिपी, कम ऑन कम ऑन, वेरी गुड. धैर्य रखिए, वेरी गुड. पेशेंस रखिए प्लीज, एंड धीरे धीरे बच्चे के साथ में मेक इट अ हैप्पी टाइम एंड अ मेमोरेबल टाइम, बिकॉज बेबी और मम्मी इस टाइम पर स्पेशल बॉन्ड करती है. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस इंटरेस्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग वीक गाइस. हम क्या क्या बात कर सकते हैं और क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे हम इसे नॉर्मलाइज करें हमारी सोसाइटी के लिए, ऑल द मदर्स, ऑल द बेबीज, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट मिल्क. एलाइना ऑल्सो लव्स मम्मा. दीदी एलाइना किसी, चलो मम्मा को किसी दे दो आज. किसी किसी किसी, ओ थैंक यू, आई लव यू. लेट्स स्टार्ट विद दिस. ब्रेस्ट फीडिंग से अच्छी बच्चे के लिए कोई चीज नहीं होती है गाइज, बिकॉज माँ के अंदर जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो बच्चे के अंदर जाती हैं. स्पेशली अभी के टाइम में, कोविड के टाइम में, आई थिंक इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. लेकिन बहुत सी मदर्स है जिनका मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है, सो दे यूज फॉर्मूला, यानी पाउडर वाला जो दूध है, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्यूटली फाइन. सो डोंट स्ट्रेस टू मच अबाउट इट. बट बिकॉज ये एक ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, इसके बारे में हम ब्रेस्ट फीडिंग और बच्चे के बारे में और माँ के दूध के बारे में और उस टाइम पर हमें प्रॉब्लम्स क्या होती है उसकी थोड़ी थोड़ी बारे में मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. मैं अपनी प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था. सो एज अ न्यू मदर, द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट आई शेयर्ड वॉज सोर और क्रैक्ड निपल्स. अब क्योंकि हम लोगों को कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था, और आई लव यू सो मच लिटिल मंकीज, हम लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं था कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. एलाइना ढंग से लैच नहीं कर रही थी, तो मेरे निपल्स सोर हो गए थे और मैं इतना रोई थी ना, इतना रोई थी क्योंकि वो इतना दर्द होता था ना, इट यूज टू पेन सो मच, इट वॉज रियली रियली बैड, बट इट वॉज नॉट योर फॉल्ट. माई कुची को जिराफ एंड कैमेलियन. हाय एलाइना, हाय सुना. Another problem what most of the females face is breast engorgement. So what is breast engorgement? So breast engorgement में क्या होता है कि जब कभी कभी बच्चा दूध नहीं पीता है तो मदर का मिल्क फुल हो जाता है, सो दे स्टार्ट लीकिंग. सो आई एम गोना शो यू अ लाइव एग्जाम्पल विच इज वेरी फनी. सो यू नो दिस इज वॉट हैपन्स, एंड इन दैट केस वॉट यू कैन डू इज यू कैन यूज अ ब्रेस्ट पंप. ब्रेस्ट पम्प यूज़ करके आप जो एक्स्ट्रा मिल्क है आप उसको स्टोर कर सकते हैं, स्टोर दैट मिल्क. और बच्चे को बॉटल का दूध या फिर जब भी आप ग्लास में दूध पिला रहे हैं तो माँ का दूध पिलाएं, तो इट इज़ मच मच मोर न्यूट्रिशियस एंड बेनिफिशियल फॉर द बेबी. सो डू कीप दैट इन माइंड गाइज, ओके. बहुत सारी वर्किंग मदर्स अपने बच्चे को ऑन डिमांड दूध नहीं पिला पाती हैं, सो फॉर देम दिस ब्रेस्ट पंप इज अ ब्रिलियंट आइडिया कि अपना दूध आप बॉटल में निकाल के रख दें और जब भी बच्चे को भूख लगे तो आप डब्बे वाला दूध देने से बेटर है आप अपना दूध बच्चे को दे दें. और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, हाय, बच्चा सही से लैच नहीं करता है. हाँ अच्छा, ये वाली बुक, ओके, नंबर्स 1, 2, 5.
बच्चा सही से लैच नहीं करता, लेकिन आजकल डूड लाइक हॉस्पिटल्स में देयर आर लैक्टेशन स्पेशलिस्ट, मतलब जो आपको बताते हैं बच्चे को कैसे रखना है, कौन सी पोजीशन में रखना है. बहुत सारे फीडिंग पिलोज आ गए हैं आजकल जिसपे आप बच्चे को बिठाकर आपकी बैक दर्द ना हो और बच्चा सही पोजीशन पे रहे. सो आप वो सारी चीज़ें भी चेकआउट कर सकते हैं. बहुत सी मदर्स जो फीडिंग पिलो नहीं खरीदती हैं, दे जस्ट पुट अ पिलो हियर और बच्चे को इधर रखकर वो दूध पिलाती है, या फिर लेट कर भी आप पिला सकते हो. हाँ अलैना, अलैना को मैं रात को मिडल ऑफ द नाइट जब होता है तब लेट कर पिलाती हूँ, क्योंकि मुझे बैठ कर उसको दूध पिलाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती और मुझे बहुत नींद आ रही होती है. अलैना ये अब क्या क्या फायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, लेट्स टॉक अबाउट दोस. सो मम्मी एंड मी, दिस इज मी, दिस इज माय मम्मी, एंड वी लाइक टू स्नगल अप फॉर कदल्स. कदल कदल कदल. सो मम्मी और बच्चे का एक स्पेशल बॉन्ड बन जाता है गाइस, विच इज अमेजिंग. जब आप बच्चे को दूध पिला रहे होते हो और उनके छोटे छोटे हाथ और छोटे छोटे पैर आपके पास ऐसे होते हैं, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स. एंड एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है जो तब होता है जब बच्चा पेट के अंदर होता है, आपका अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है, और बाद में जब बच्चा दूध पी रहा होता है तो अगेन यू नो बच्चा आपसे कनेक्टेड होता है, आपके दिल के पास होता है. सो आई थिंक इट इज ब्यूटिफुल. और एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपके बच्चे को सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं आपसे, उसकी जो भी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स है ग्रोथ से रिलेटेड, यू नो ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स आर फिल्ड विद ब्रेस्ट मिल्क. सो इसीलिए ब्रेस्ट मिल्क को भी लिक्विड गोल्ड बोला जाता है फॉर दैट रीजन. सो इट क्रिएट्स अ गुड बॉन्ड. हाँ बच्चों, एंड इट इज वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, सो इट इज फैंटास्टिक. और तीसरी चीज ये है कि आपका पपी जी ये देखो आपके पास रहता है एंड भूखू भैया भोग दिया और हेल्दी रहता है और हैप्पी रहता है. वेरी गुड पापा. सो अब बात करते हैं सोशल टैबूज की. तो जब आप अपने बच्चे को कभी कहीं बाहर जा रहे हैं और उसको भूख लग गई, उसको दूध पिलाना है, सो बहुत से लोग होते हैं अरे पूरा कवर कीजिए, अरे ये कीजिए, अरे वो कीजिए. ऑब्वियसली इंडिया है तो आपको ये थोड़ी चीजों का ध्यान तो रखना पड़ता है गाइस, बट आई रियली होप एंड प्रे कि एक दिन हम मदर्स को ये एकदम नॉर्मलाइज कर दिया जाए कि बच्चे को दूध पिलाना इज द मोस्ट नेचुरल एंड द ब्यूटिफुल फीलिंग इन द एंटायर फ्रिकिंग यूनिवर्स, एंड इट इज अ वेरी नेचुरल फिनोमेना. आप देखिए जितने भी एनिमल्स हैं सब माँ और बच्चे ऐसे ही दूध पीते हैं, और इसको एक टैबू ना बनाए, इसको यू नो सम पीपल यू नो लुक डाउन अपॉन, अरे देखना कैसे बच्चे को दूध पिला रहे हैं खुले में, प्लीज वो सब ना करें. इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग, इसको ब्यूटिफुल ही रहने दीजिए एंड जस्ट लेट द मदर एंड बेबी इंजॉय एट दैट टाइम. रादर आपको सपोर्ट करना चाहिए, यू नो यू शुड सपोर्ट देम, यू शुड एजुकेट पीपल अराउंड यू अबाउट दिस, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हाँ लाइना, दूसरी चीज ये मैं सोसाइटी के टैबू के बारे में बात करना चाहूंगी. बहुत से मैंने देखा है आजकल यू नो लोग ये बोलते हैं कि अरे 6 महीने के बाद बच्चे को दूध नहीं पिलाना, नहीं तो खुद की लाइफ नहीं रहेगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा. WHO के हिसाब से 18 months इज कंपल्सरी कि आपको बच्चे को कोशिश करना चाहिए. मिनिमम 6 months होता है, लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक आपको जब तक मन करे, व्हाट आर यू डूइंग माय बच्चा, आप तब तक अपने बच्चे को दूध पिलाइए. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें आपको जितना टाइम आप दे सकते हैं अपने बच्चे को उतना अच्छा है, क्योंकि आपका बच्चा आपसे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है. फिर वो 6 महीने के लिए हो, 1 साल के लिए हो, 1.5 साल के लिए हो, या फिर 2 साल के लिए, या फिर मेरी तरह मैंने अपनी मम्मी का आई थिंक 4.5 साल तक दूध पिया है. आई मीन लाइक यू नो बियॉन्ड टाइम आई थिंक दूध उतना नहीं होगा, लेकिन कंफर्ट के लिए वो उस टाइम पर बच्चा मतलब मैं अपनी मम्मी अलैना दुदू नहीं पीना चाह रही है इस वक्त, पर ये काउज मिल्क है, ये मेरा मिल्क नहीं है. तो मैंने तो इतना टाइम पिया, तो मैं भी कोशिश करूंगी कि अलैना ज्यादा से ज्यादा मेरा दूध पिए, सो दैट शी गेट्स मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीबॉडीज फ्रॉम मी. सो दैट्स व्हाट द सोसाइटी नीड्स टू अंडरस्टैंड, एंड प्लीज सपोर्ट द मदर्स एंड बेबी.
सो गाइज द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप अपने बच्चे के साथ एंजॉय कीजिए, आप अपने बच्चों के लिए जो अच्छा है वो बिना सोचे समझे कीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे किसी ने सही बोला है कि एक मदर की जो गट फीलिंग होती है ना वो हमेशा मेजोरिटी ऑफ द टाइम सही होती है. सो आपको पता है कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है. ब्लू इसमें पहले ब्लू कम ऑन पुट ब्लू. सो बच्चे की बच्चा कब क्या डिमांड करता है, अगर उसे भूख लग रही है तो उसको क्या चाहिए, अगर वो रो रहा है तो उसको क्या चाहिए, एक माँ से बेटर और कोई नहीं समझ सकता. एंड आई वॉन्ट टू सपोर्ट ऑल यू ब्यूटिफुल लेडीज आउट देयर हु आर ब्रेस्ट फीडिंग, दैट यू नो कीप ऑन डूइंग इट, यू हैव ऑल आवर सपोर्ट. एंड अच्छी बात यह है कि आजकल पार्टनर्स भी बहुत सपोर्टिव हो गए हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाने के बाद बर्प कराना जो पड़ता है, लाइक करण दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू डू. मैं दूध पिलाती थी एलाइना को और उसके बाद उसको बर्प कराना पड़ता था, तो करण मुझे बोलता था ओके नाउ यू टेक अ ब्रेक, और एलाइना को बर्प पापा कराते थे. एलाइना कैसे बप्पी बप्पी कैसे कराते थे, ऐसे ऐसे करके और एलाइना बर्प करती थी. हाय गुजी जल्दी बड़े हो जाते हैं यार ये. Exactly. I can't even believe it. कितनी छोटी सी थी, अभी भी छोटी है, but like she is growing up too fast. Oh my God. But guys, I think that's good for now. Believe in yourself as a mother, और अपने बच्चे के लिए जो सबसे अच्छा है वो करिए, बिकॉज आप ही जान सकती हैं कि आपके बच्चे के लिए सबसे बेस्ट क्या है. क्या कहता है गोकू? गोकू ढूंढ रहा है कुछ खाने का माल. हाँ अलाइना, अलाइना छोटी छोटी अपनी स्नैक्स है गोकू के लिए यहाँ वहाँ 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 छोड़ती रहती है. हाँ किसका भाई आई यूट्यूब. हाँ अलाइना चलो सबको बोलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक. अलाइना थम्स अप. ये देख तेरा भाई, ये देख जो तेरा भाई है ना. Do not forget to like our video guys and do not forget to subscribe to 4-Wheeler Scooter because बहुत से लोग हैं जो देख रहे हैं लेकिन subscribe नहीं कर रहे, so please do subscribe and they are going to be back sharing more experiences with all of you और अपनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे. आपकी कहानी आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में नीचे कि अगर आप भी कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक के बारे में. We want to wish you all a happy breastfeeding week. Take care guys. See you later. Alligator. Then what happened? Mamma elephant and baby elephant.